नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाथद्वारा यात्रा को लेकर भाजपा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी इनकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा पहुंचेंगे। यहां पर सेनाजी के दर्शन के बाद में यहाँ पर रेलवे जो आमान परिवर्तन किया जा रहा है नाथद्वारा से देवगढ़ तक का, उसका शिलान्यास करेंगे। इसकी क्या क्या तैयारियां हैं, पार्टी स्तर पर अब तक क्या तैयारियां चल रही हैं, मुख्य रूप से जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी भी यहां राजसमंद में डटे हुए हैं, उनके नेतृत्व में और उनके निर्देशन में यहां राजसमंद जिलाध्यक्ष मान सिंह जी के नेतृत्व में यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। अब जानते हैं, हमारे साथ में हैं मान सिंह जी बारठ की, आखिर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। यह बहुत ही उत्साह का और हर्ष का विषय है और राजसमंद का सौभाग्य है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी सौभाग्य और सभी राजसमंद वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे लाडले और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और हिंदुस्तान का जो के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में और विश्व में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आता है। और ऐसे व्यक्ति जब राजसमंद में हमारे यहाँ आ रहे तो हमें बहुत सौभाग्य का काम है और सौभाग्य मिला है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ प्रत्येक राजसमंद वासी जो भी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में आना चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता है और उनके मुख से जो हमारे मेवाड़ की एक बहुत ही आमान परिवर्तन जो सबकी इच्छा थी और वो आज हमारी पूरी हो रही है कि राजसमंद को ब्रॉड मीटर गेज से ब्रॉड गेज की लाइन का आमान परिवर्तन हुआ, उसका शिलान्यास एवं ऐसे कई कार्य है जो यहाँ शिलान्यास होगा वर्चुअल के माध्यम से, राजसमंद के भी और अन्य जगहों के भी सारे कार्यक्रम यहीं शिलान्यास होंगे। आपके कार्यकाल में मोदी जी का जो कार्यक्रम तय हुआ है तो ये भी एक आपके कार्यकाल को भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद जिले में आए। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये जो जिम्मेदारी मिली और इस जिम्मेदारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे राजसमंद जिले में पधार रहे तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की अवसर है। एक इसमें क्या शेड्यूल है, टाइम का कितने बजे आएंगे, दर्शन और सभा का कैसे क्या? माननीय मोदी जी सुबह लगभग दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद में सभा सीधे कहाँ से कहाँ आएंगे? यहाँ से एक बार उदयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजसमंद में हेलीकॉप्टर की हेलीपैड बनाया गया, वहाँ उतरेंगे और वहाँ से सीधे दर्शन के लिए जाएंगे। और जब दर्शन करेंगे और दर्शन से वो श्रीनाथजी नाथद्वारा श्रीनाथजी का दर्शन करेंगे और श्रीनाथजी दर्शन के बाद में वो सीधा सभा स्थल पर आएंगे और सभा स्थल से लगभग एक घंटे तक उनका समय है जो सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वापस पुनः यहाँ से हेलीपैड बनाएंगे और हेलीपैड से फिर वो अवरोड जो सभा है उस सभा में जाएंगे। यहाँ पर दर्शन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ रोड शो का भी कोई है? रोड शो तो पहली बात मोदी जी जहाँ निकलते हैं वहाँ जनता पलक पावड़े बिछा के खड़ी रहती है और जो उनके सिस्टम और कानून के हिसाब से जो उनको सुरक्षा देनी चाहिए उस सुरक्षा के बाद जितने भी लोग हैं और आम जनता, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि राजसमंद की सारी जनता उमर पड़ेगी और मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछा के खड़ी रहेगी, फूल वर्षा भी होगी और जगह जगह उनके नाम से नारे भी लगेंगे और स्वागत भी होगा। ये उनके सभा स्थल किस जगह रखा है? सभागल राजसमंद नाथद्वारा में दामोदर स्टेडियम में रखा गया। इसमें लगभग आपके पार्टी की तरफ से कितने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, कोई टारगेट है? राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राजसमंद का जो भी चलता फिरता और जो अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो सभी वहाँ उस कल उपस्थित रहेंगे। तो इसमें कोई टारगेट रखा है पार्टी? टारगेट जो संख्या बल के आधार पर है, जो स्थान चूज किया गया वो छोटा पड़ेगा, ये मैं कहूँगा आपको। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ में और भी कोई मंत्री आ रहे हैं और क्या क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारे देश प्रदेश के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो चित्तौड़ से सांसद है और हमारे सांसद महोदय दिया कुमारी जी और लगभग नितिन गडकरी जी जो इस के विभाग के मंत्री हैं वो रेलवे मंत्री और रेलवे मंत्री जी भी आएंगे। अच्छा, इसकी जैसे अपने कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो जैसे अभी तैयारियां जो चल रही है, प्रदेशाध्यक्ष खुद यहां आए हुए हैं और उनके निर्देशन में जो तैयारियां चल रही है, तो किस तरह से अपने डिवाइडेड कार्यों पदाधिकारियों को काम सौंपा है? पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कार्य का विभाजन नहीं करना पड़ रहा है,
बल्कि कार्यकर्ता आगे होकर मुझे पूछ रहा है कि भाई साहब मुझे क्या करना है और मुझे किस तरह से कहाँ और कहाँ क्या व्यवस्था के लिए तैयार रहना, ये बहुत ही उत्साह का विषय है। और रही बात कार्यकर्ता के अलावा राजसमंद के जो लोग हैं, मेरे ऐसे ऐसे टेलीफोन आए कि यार मेरी बच्ची कह रही है, मेरा बच्चा कह रहा है, या मेरे फला लोग कह रहे हैं कि मुझे एक बार मोदी जी के दर्शन करने हैं। तो मैंने कहा आप बिल्कुल वेलकम पधारो, आप सबके लिए व्यवस्था है और ये व्यवस्था अच्छी की गई है, प्रशासन द्वारा भी की गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लग के उस व्यवस्था को देखेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे कि श्रीनाथ जी के जो भक्त हैं, गुजरात के ज़्यादातर लोग श्रीनाथ जी में के प्रति काफ़ी आस्था रखते हैं और मोदी जी भी क्यों चूँकि गुजरात के ही हैं तो वो भी शुरू से जुड़े हुए हैं। तो पहले कभी श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मोदी जी आए या ऐसा कोई कार्यक्रम कभी हुआ राशि में? मेरी जानकारी में जहाँ तक है, नाथाद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन जब मुख्यमंत्री बने तब पधारे थे। उसके बाद एक बार राजसमंद में हमारे विधायक बंसीलाल जी के समय भी प्रचार प्रसार में यहाँ पधारे हैं, बीम भी आए हुए हैं, राजसमंद जिले में वो पधारे हैं। और वैसे भी आडवाणी जी के समय वो इस यात्रा के संयोजक के नाते भी पधारे थे, मगर उसमें वो चर्चित चेहरा नहीं होने की वजह से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था। मगर अभी जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं तो ये मोदी जी का आना और इस चुनावी वर्ष में जो श्रीनाथ जी के दर्शन करके राजस्थान में पदार्पण हो रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम जो सरकारी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी राजसमंद और मेवाड़ वासियों के लिए बहुत ही सौगात का विषय होगा। ये कहीं ना कहीं मोदी जी का जो नाथद्वारा और राजसमंद जिले की यात्रा है तो इसका कहीं ना कहीं आने वाले इस वर्ष में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं फ़ायदा मिलेगा आप पार्टी को? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे नाथों के नाथ श्रीनाथ हैं और देश का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे कद्दावर नेता कोई अगर आज राजस्थान में चुनावी साल में अगर श्रीनाथ जी के दर्शन करके ने पधार रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेवाड़ क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिए सौभाग्य का विषय है कि आने वाले समय और युगांतर जिस तरह से मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित किया, वैसे राजस्थान में अब निरंतर स्थापित होने की कड़ी को अग्रसर करेगी। राजसमंद में वैसे जैसे इसका शिलान्यास हो रहा ब्रॉडगेज लाइन का, ये तो बिल्कुल मेवाड़ वासियों की या राजसमंद जिले की लंबे समय से मांग थी और पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन मोदी जी यहाँ आ रहे हैं तो क्या राजसमंद के लिए और भी कोई बड़ी अपेक्षा है कि हाँ मोदी जी से ये सौगात दे सकते हैं या ये अपनी डिमांड है? मोदी जी जब भी जहाँ जाते हैं वो पहले अपना कार्य करके ही जाते हैं, मोदी जी घोषणाओं के माध्यम से नहीं जाते हैं। मोदी जी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं तो कार्यक्रम की योजना बनी है और योजना के माध्यम से सेंटर की जितनी भी योजना आपने देखा होगा, कृष्णा सर्किट जो हमारे यहाँ, वो केवल और केवल मात्र राजस्थान सरकार की सुस्ती की वजह से वो कार्यक्रम मतलब कार्य प्रगति पर नहीं है। बाकी मोदी जी जब आ रहे हैं तो वो हर चीज़ देख के जाएंगे और इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखा होगा मोदी जी ने जो गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्यकाल उनका निकला और जिस तरह से गुजरात को आज ऊंचाई मिली है, और जब से 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो हिंदुस्तान की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में, इस तरह हुई है। और एक चीज़ और छोटा उदाहरण देता हूँ, मोदी जी ने जिस तरह से बनारस में आज आप जाते हो तो बनारस एक अपने आप में बहुत चेंज लगता है। वो जहाँ जाते हैं अगर वो कहते हैं कुछ नहीं है, मगर हर चीज़ को देख के उसके ऊपर हमेशा ही वो कार्य करने की उनकी क्षमता है और वो करते हैं। तो आप किस तरह से पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से जोड़ने के? मैं जयवर्धन न्यूज को पहले तो बधाई और शुभकामना दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नाथद्वारा में पधार रहे हैं। तो मैं जनता से आपके माध्यम में और आपके चैनल के माध्यम से सभी से विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने लालबाग दामोदर स्टेडियम में अपना समय निकालकर अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ जरूर पधारें, यही मेरा सभी से निवेदन और आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मान सिंह जी बारठ जिन्होंने बताया किस तरह से मोदी जी का राजसमंद में कार्यक्रम है और उसको लेकर किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम जन में एक उत्साह है। इस कार्यक्रम को लेकर जैसे कि आपने तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी देखी कि जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, SP सुधीर जोशी के साथ ही पार्टी स्तर पर भी अपनी यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। दामोदर स्टेडियम नाथद्वारा में इसकी सभा होगी, पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे मोदी जी और उसके बाद में सभा स्थल पर आएंगे और करीब एक घंटा यहाँ इस कार्यक्रम में वो रुकेंगे और उसके बाद फिर हेलीपैड से माउंट आबू के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यह यात्रा मोदी जी की वाकई राजसमंद जिले और मेवाड़ के लिए ऐतिहासिक रहेगी।
उदयपुर में वो कई बार पहले भी आ चुके हैं, राजसमंद में भी हमने पुराना जो लोग हैं उनसे बातचीत की, भाजपा के नेता हैं उनसे बातचीत की, तो उसमें मुख्य रूप से आया कि श्रीनाथ जी के वो पहले से भक्त हैं और यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए वो पहले भी आ चुके हैं। इसके अलावा भी 2003 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजसमंद में वो आए थे, भीम की विधानसभा में भी वो एक बार आए, और इस तरह इस बार अब मोदी जी राजसमंद में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को इससे कहीं ना कहीं बढ़त मिल सकती है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।